श्रीकाल सलाम दोस्तों, मैं हूँ भाभियों का प्यारा देवर यानी कि उनका देवर विनीत रैना और आप देख रहे हैं सिनेमा खेल खेल में। दोस्तों इस वक्त मैं हूँ राजधानी दिल्ली के जनकपुरी इलाके में। जनकपुरी से याद आया कि राजा जनक की सुपुत्री जानकी थी बहुत ही शांत और सुशील, तो देखना यह है कि मेरी जो भाभी है वो भी शांत है या चुलबुली। दोस्तों वक्त है बड़ा ही कीमती, इंतजार कर रही है मेरी भाभी दीप्ति, तो मैं चलता हूँ। ओके आ जाओ मेरे साथ। दोस्तों मैं बैठा हूँ सूद परिवार के घर में और मेरे साथ बैठी है मेरी प्यारी सी भाभी दीप्ति सूद। हेलो भाभी। हेलो, कैसी हैं आप? ठीक भाभी। आप ये बताइए मुझे सबसे पहले कि आपकी हॉबीज क्या है, क्या करना पसंद करती हैं आप? मेरी मेन हॉबी और पैशन सबसे पहले जो है वो है फोटोग्राफी। फोटोग्राफी? यस। तो किस तरह की फोटोग्राफी आप करती हैं? फैशन फोटोग्राफी, फूड फोटोग्राफी, प्रोडक्ट एंड स्ट्रीट। तो कुछ नमूना वगैरह? हाँ बिल्कुल। तो भाभी ये क्या है एग्जैक्टली? ये बेसिकली एक पोल है जिसपे कुछ बेल्स लगी हुई थी, तो ये एक मैंने विंड चाइम का एज अ पिक्चर लिया है, एज वेल एज अ नोटिस करेंगे बीच में सर्कल में ये यिन यांग का साइन भी है एज वेल एज बेल्स भी है। तो भाभी इतनी अच्छी फोटोग्राफ्स खींचती हैं आप, कभी कोई ऐसा अमेजिंग सा कोई एक्सपीरियंस हुआ फोटो खींचते? मैं हरिद्वार में थी और मैं हरिद्वार के घाट पे शूट करके अपने रूम की तरफ जा रही थी, तरली मेरे को कोई मूंगफली बेचने वाला दिखाई दिया। ओके। जो रेड़ी में मटकी लगा के उसके ऊपर लकड़ियां डाल के उसको जला रहा था गर्म करने के लिए, मुझे वो कुछ शॉट्स जो फायर के फ्लेम ऊपर जा रही थी वो मुझे उस टाइम कुछ ड्रैगन जैसे इफेक्ट दे थी। तो जब मैंने वो शॉट लिया, जब मैं घर आके देखा तो मुझे उसमें ओम की शेप नजर आई। वेरी गुड, क्या बात है। तो मतलब भगवान की काफी कृपा है, क्या बात है। अच्छा भाभी आप इतनी टैलेंटेड हैं, तो भैया भी टैलेंटेड हैं या लेजी हैं? टैलेंटेड भी हैं और लेजी भी हैं। लेजी भी हैं। तो आपसे ज्यादा टैलेंटेड है या क्या है? नहीं, मुझसे ज्यादा टैलेंटेड नहीं है। ये लेजी और टैलेंटेड के कॉम्बो से हम लोग मिलेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप लोग देखते रहिए जी सिनेमा मूवीज मस्ती। वेलकम बैक टू सी जगह। 2000 रुपए का इनाम आपका वक्त शुरू होता है अब। भागो भागो कूद कूद के, लेकिन आराम से, कहीं गिर न जाना। उसका जो धागा है वो लपेटना नहीं, आपको नॉट बांधना। हाय हाय सैनी भाई की स्पीड देखो बहुत जबरदस्त। तीन चार पांच गुब्बारे, क्या बात है भाभी, वेरी गुड। और हमारे सैंडी भाई के पास है 1 2 3 4 5 छह गुब्बारे। सैंडी भाई ने बांधे 6 गुब्बारे और बाहर के इलाके के साथ साथ बन गए घर के भी डॉन और जीत गए 2000। आप लोग मिले? हम लोग मिले थे एक सोशल नेटवर्किंग साइट के थ्रू, सिर्फ मैसेजेस पास होने शुरू हुए, फिर देर देर चैटिंग पे आए। तो फिर इस इंटरनेट ने आपको मिलाया कब? इनके बर्थडे में हुआ हमारा फर्स्ट कॉन्वर्सेशन। ओके। तो बस मैंने फोन किया, बर्थडे विश किया और इन्होंने मुझे पहचाना नहीं पहले, तो बाद में जब मैंने बताया कि मैं तुम्हारी चैटिंग वाली फ्रेंड बोल रही हूँ तब इनको शॉक लगा कि फोन कैसे कर दिया इसने मुझे। कितनी कितनी देर बात हुआ करती? शुरू में थोड़ी देर 15 मिनट, फिर आधा घंटा, धीरे धीरे 1 घंटा, बढ़ते बढ़ते 4-5 घंटे हम लग गए फोन पे। फिर तो क्या प्यार भरी बातें होती थी या जनरल बातें? शुरू में जनरल होती थी, धीरे धीरे जैसे बात बढ़ती थी हमारा भी रोमांस बढ़ गया था। बस याद आ रही है प्लीज तुम यहाँ होती मेरे पास, खूब डायलॉग वायलॉग मारते होंगे, बहुत बहुत शायरी वायरी मारते थे? शायरी तो ये लिखते थे मैसेजेस के थ्रू, बोला नहीं कभी। अच्छा भाभी को तो आपने पटा लिया, तो इनके मम्मी पापा को कैसे पटाया? पापा को पटाना बड़ा मुश्किल था। क्यों? डॉन बन गए थे वो लव स्टोरी के? अमरीशपुरी। अमरीशपुरी बन गए थे? शादी नहीं होगी। डेट कितनी देर तक किया एक दूसरे? 6 मंथ। किसने किया सबसे पहले? इन्होंने। कैसे? इन्होंने मेरा बर्थडे बहुत ही ग्रैंड सेलिब्रेट किया था और वो मेरे लिए थोड़ा सरप्राइज था। और उस दिन आपको गिफ्ट क्या मिला था? यही उससे पहले गिफ्ट मिला था। और जब सब चले गए तो उसके बाद प्रपोज भी किया था शादी के लिए। कैसे किया था? हाथ पकड़ के मैंने बोला था कि मैं शादी करना चाहता हूँ, हमेशा के साथ रहना चाहता था, ये बोला था मैंने। आपका जवाब क्या था? मेरा जवाब था कि ज्यादा जल्दी नहीं, मैं सोचूंगी थोड़ा सा कर। तो आप प्रिपेयर नहीं थे शादी के? मैं प्रिपेयर नहीं थी, मैंने घर जाके सोचा, फिर थोड़े दिनों बाद जवाब दिया मैंने। क्या बात है, शादी कब हुई? शादी फिर उसके हमारे 2-3 महीने बाद हुई थी। आप मिलते हैं बाकी के सूद परिवार से, देखते हैं वो भी इतनी कूल है कि नहीं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप लोग देखते रहिए परिवार के साथ
भाभी एक एक करके सबसे मेरा इंट्रोडक्शन करवाइए। ये मेरी सासू माँ है। नमस्ते आदि जी, कैसे हैं आप? बहुत फर्स्ट क्लास। बहू के आने से और फर्स्ट क्लास? कितनी? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा? पक्का? पक्का। ये मेरे ससुर हैं। नमस्ते अंकल। नमस्कार जी। तो आपको मेरी भाभी से कोई कंप्लेंट है ही नहीं कोई भी? क्या बात है भाभी। ये मेरे पापा हैं। हेलो अंकल। नमस्कार। तो आप अपने दामाद से बिल्कुल खुश हैं? एकदम खुश है। पहले मैंने सुना कि आप अमरीश पुरी बन गए थे। अमरीश पुरी तो इसलिए बने, कुछ बातें ऐसी हैं जैसे हेल्थ से संबंधित, वो मेरी नहीं मानते हैं तो गुस्सा आएगा। लेकिन आप अगेंस्ट थे इंटरकास्ट मैरिज के? हाँ वो तो। वो फिर आपका किस तरह इनिबिशन जो था? वो बच्चों की खुशी अपनी खुशी। तो अभी आपको लगता है कि आपने शादी करा के कोई गलत फैसला नहीं किया? ना मैंने कहा खुश नहीं, अब तो सब सही है। ये मेरी मम्मी है। अरे क्या बात है। नमस्ते आंटी जी। नमस्कार। अब मैं सोचूं कि भाभी सुंदर कैसे है। थैंक यू। ये मेरा देवर है। हाय हाय देवर। हेलो। हाय। तो आपकी शादी हो गई है? अभी होने वाली है शादी। क्या बात है। लड़की वड़की देखी जा रही है कि नहीं? अभी नहीं, अभी टाइम है थोड़ा। ये एक और नोटी वेव है। अच्छा एक और वेव है। आप क्या करते हैं? मैं फॉरेन बैंक में काम करता हूँ। अरे है फॉरेन बैंक मेमा शेमा बहुत बड़े खुश होके बोले और स्माइल और दुगनी होगी। क्या बात है। ये मेरे डोमेस्टिक हेल्प है बट मोर लाइक अ ब्रदर इन द फैमिली। सबसे करीब है, हर रिलेशन में सबसे करीब फैमिली मेंबर है ये। अरे वाह क्या बात है। क्या नाम है यार? धर्म। धर्म? धर्म कौन सा? जूनियर धर्म? यार ये स्कूल परिवार तो बड़ा ही कूल और बड़ा ही मस्त है यार। दोस्तों अब इनमें से किसी एक की तकरार होगी मेरी भाभी के साथ, लेकिन किसकी होगी ये देखेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। आप लोग देखते रहिए जी सिनेमा मूवीज मस्ती मजे। वेलकम बैक टू सिनेमा खेल खेल में। दोस्तों मां और बेटी की तरह रहने वाली सास बहू में आज होगी जम के तकरार। हमारे दौर में जिसका नाम है मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी। तो आप दोनों को क्या कर रहे हैं, आपके एक एक हाथ में है बॉक्सिंग ग्लव्स। अपने जिस हाथ में ग्लव्स नहीं है उससे आलू उठाना है और जिस हाथ में ग्लव्स है उससे छीलना है। और आलू छील के आपको रखना है इस खाली बाउल में। 30 सेकंड में आप दोनों में से जो भी ज्यादा से ज्यादा आलू बराबर तरीके से छीलेगा वो बन जाएगा खिलाड़ी और जीत जाएगा 2000 रुपए का इनाम। और आपको वक्त शुरू होता है अब। जो जितनी अच्छी तरीके से छिलेगा आलू वो होगा उतना ही चालू। क्या बात है अनिल जी, मैच पटेटो तो नहीं क्या? 5 4 3 2 1 एंड स्टॉप। आंटी जी ने छिले हैं कुछ एक आलू, थोड़ा बहुत तो इस पे लगा हुआ गिन सकते हैं, लेकिन यहां पर आपने आलू को जो है वो तोड़ दिया तो डेढ़ सवा आलू छिला आंटी जी ने। वेरी गुड। और देखते हैं भाभी ने कैसे छिले अपने आलू। वेरी गुड भाभी, क्या बात है, बहुत बढ़िया तरीके से छील लिया भाभी। एक और अगला भी इतना बड़ा आलू ऑलमोस्ट छील लिया है, ये भी छिला हुआ ही है। भाभी ये आप खोल सकती हैं अपना ग्लव्स ताकि मैं आपको जीत की राशि यानी कि पूरे 2000 रुपए दे सकूं। तालियां भाभी के लिए। दोस्तों अगर आप चाहते हैं फन मस्ती और धमाल का फुल टू डोज, देखते रहिए जी सिनेमा मूवीज मस्ती मजे का असली सुपरस्टार। लेकिन 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 इस बिल्ले को जीतना नहीं है आसान, क्योंकि इसको जीतने के लिए करना पड़ता है पूरा मेरा दिया हुआ टास्क। हमारे जो संदीप जी हैं वो आ जाइए इधर, और हमारे जो खूबसूरती संधन जी हैं अभी उनको बुला लीजिए पास में अपने, आ जाइए। क्या बात है। आप चले जाएंगे फ्लैशबैक में, लेकिन हम उसमें मारेंगे एक शरारत का तड़का। वो कैसे लगेगा तड़का आपको गाना बताता हूं, उस गाने पे आप दोनों को डांस करना है। हिट द म्यूजिक। ये बात है अंकल जी। अच्छा ये पहले से ऐसे आप डिस्क वगैरह जाते थे गर्लफ्रेंड के साथ? डांस बहुत डांस बहुत करते थे आप। और आंटी जी आप? मैं भी बचपन से ही वो तो हमने देख लिया। तो अंकल
उठेगा वो उठेगा दोनों के लिए। दोस्तों हमारे पास एक नहीं बल्कि है दो दो सुपरस्टार यानी कि दो दो बॉलीवुड बिल्ले। तो सबसे पहले जो बिल्ला है मैं बोलूंगा बिल की बाजी पर आइए और दूसरा बिल्ला है हमारे आदि जी के लिए। ये दोनों बन गए इस परिवार के सुपरस्टार। दोस्तों सुपर परिवार के साथ हमारी मस्ती यूं रहेगी जारी फिलहाल एक छोटे से ब्रेक की हमारी आप सब देख रही है सिनेमा मूवीज मस्ती डब्बा। तो यहां पर क्या होने वाला है मैं बताता हूं। यहां पर पहले मेंबर के पास रखे हुए खूब सारे डब्बे उनके अंदर स्माइली बॉल्स। पहला मेंबर डब्बा उठाएगा उसका ढक्कन खोलेगा और डब्बा फेंकेगा दूसरे मेंबर की तरफ। दूसरा मेंबर उस डब्बे में से बॉल निकालेगा डब्बा अपनी बास्केट में डालेगा और जो बॉल है वो फेंकेगा तीसरे मेंबर की तरफ। तीसरा मेंबर जो है वो बॉल को कैच करके उसे भरेगा अपनी खाली बास्केट में। तो ऐसे ही प्रोसेस रिपीट करते करते 30 सेकंड में दोनों टीम में से ज्यादा बॉल्स उस बास्केट में कलेक्ट करेगी वो किसी से कम नहीं होगी और जीत जाएगी पूरे 2000 रुपए का इनाम। आपका 30 सेकंड का वक्त शुरू होता है। अब वक्त शुरू हो गया कल कितनी बॉल्स एक दो ग्यारह बॉल्स क्या बात है वेरी गुड। यहां देखते मेरी आंटी जी के पास एक दो दस बॉल्स क्या बात है भाभी की टीम ने चक देते हैं पट्टे और जीत गए पूरे 2000 रुपए। धमाल कर रहा है तो बने रहिए हमारे साथ देखते रहिए इसी सिनेमा मूवीज मस्ती। अब होगा सूर परिवार का एग्जामिनेशन। कौन सा एग्जामिनेशन? फिल्मों का एग्जामिनेशन। ये एक रैपिड फायर राउंड है जिसमें मैं आपसे 5 सवाल पूछूंगा 40 सेकंड के अंदर। हर सही जवाब आपको जिता सकता है 1000 रुपए यानी कि 5 सवालों के सही जवाब आपको जिता सकते हैं 5000 रुपए का इनाम। लेकिन सोच समझ के खेलिए अगर गलत जवाब दिया तो सवाल डिस्क्वालीफाई हो जाएगा इसलिए सोच समझ कर खेलिए। अगर कंफ्यूज है तो मुझे पास बोल दीजिए ताकि 40 सेकंड में आप लोग 5 सवाल अटेम्प्ट कर सकें। समझ गए आप लोग पक्का? तो आपका वक्त शुरू होता है अब। किस हीरो ने फिल्म मिस्टर इंडिया में बाल कलाकार के तौर पर पहली बार अभिनय किया था? आफताब शेरनिसानी। सही जवाब। एक्ट्रेस मुमताज के जमाई कौन से एक्टर है? फरीन खान। सही जवाब। आर डी बर्मन का निक नेम क्या है? अंचा। सही जवाब। कसम की कसम है कसम से हमको प्यार है सिर्फ तुमसे ये गाना किस फिल्म का है? मैं प्रेम की दीवानी हूँ। सही जवाब। रेणुका शाहने ने किस फिल्म में सलमान खान की भाभी का रोल निभाया? ये जीत गए हैं पूरे के पूरे 5000 रुपए और ये जीत की राशि सीधे जाती है मेरी भाभी के पास। क्या बात है क्या बात है क्या बात है तालियां खुश परिवार के लिए। दोस्तों ये है परिवार सूद जो सिनेमा के समंदर में गया है डूब और तैरते तैरते अब सीधा पहुंच गया है फ्राइडे फिनाले में जहां इस हफ्ते के 3 परिवारों को हरा कर ये लोग कहला सकते हैं फ्राइडे के सिकंदर और जीत सकते हैं पूरे 25000 रुपए। लेकिन फिलहाल आज मैं लूंगा इनसे विदा लेकिन जाने से पहले मैं हो गया उन पर फिदा इसलिए लूंगा इन्हें एक छोटी सी ट्रॉफी और इस ट्रॉफी को रिसीव करेगी वन एंड ओनली मेरी प्यारी भाभी। भाभी के लिए और सूद परिवार के लिए यार इन पर तो सिनेमा का बुखार जो है वो जबरदस्त तरीके से सवार है। अगर आपका परिवार भी इस बुखार का शिकार तो भेज दीजिए मुझे एक SMS मैं पहुंच जाऊंगा आपके द्वार। SMS भेजने के लिए टाइप कीजिए CKKM स्पेस आपका नाम
फेस आपके शहर का नाम और भेज दीजिए 57575 पर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं response@znetwork.com पर। तो दोस्तों कल फिर एक परिवार